दुनिया भर में अनेकों जगह ऐसी है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। इनमें से कई जगहों के रहस्य को साइंटिस्ट आज तक जरा भी सुलझा नहीं पाए, जबकि कई जगह ऐसी है जिस पर आज भी रिसर्च चालू है। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 10वें नंबर पर नाम आता है रेलम्पागो डेल कुटाटुम्बो ओलोगा वेनेजुएला का। वेनेजुएला के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे माराकाइबो लेक है। इस झील के कोने में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली चमकने का पीक टाइम मई से अक्टूबर है, जब यहाँ पर हर रात 200 से ज्यादा बार बिजली चमकती है। इस झील के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर इस नज़ारे को देखते हैं। 9वें नंबर पर नाम आता है ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन नेशनल पार्क का। येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक गीजर मिलते हैं। प्राकृतिक गीजर एक तरह से गर्म पानी का फव्वारा होता है, पर जिसमें पानी जमीन के अंदर से एक फाउंटेन के रूप में निकलता है। इस पार्क में करीब 300 प्राकृतिक गीजर है, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल। ये दुनिया के सबसे ऊंचे गर्म पानी का फव्वारा है। इसमें नियमित रूप से विस्फोट होता रहता है, लेकिन इनमें होने वाले विस्फोटों का मिजाज आज भी एक पहेली बने हुई है, क्योंकि इनमें होने वाले विस्फोटों का कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। 8वें नंबर पर नाम आता है मूविंग स्टोन डेथ वैली कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी एक अजूब पहेली बनी हुई है। रेस ट्रैक प्लासा 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से भी अधिक पत्थर है, हालांकि किसी ने उन्हें आंखों से खिसकते हुए तो नहीं देखा। सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर दूर तक खिसके मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण किया और उस पर 7 साल अध्ययन किया। कैरिन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन जब वैज्ञानिक कुछ सालों बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने कैरिन को 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है। 7वें नंबर पर नाम आता है इटर्नल फ्लेम फॉल्स ऑर्चर्ड पार्क न्यूयॉर्क का। यहाँ पर एक छोटा सा झरना बहता है जिसमें एक जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वाले को आश्चर्य होता है कि आखिर ये लौ जल कैसे रही है। शोध करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि यहाँ चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। संभवतः 20वीं सदी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी, जब से वे लगातार जल ही रही है। भारत में भी हिमाचल के कांडका में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में 9 प्राकृतिक ज्वाला प्राचीन काल से निरंतर जल रही है। 6वें नंबर पर नाम आता है पामुकाले टर्की का। तुर्की के पामुकाले में स्थित यह जगह अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ पर 17 प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स है। ये प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यहाँ पर हजारों सालों से हैं। इन झरनों के पानी में स्थित खनिजों से बाहरी हवा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि हजारों सालों से इन झरनों के किनारों पर जमा हो रहा है, जिससे इन झरनों ने स्विमिंग पूल जैसा आकार ले लिया है। इन हॉट स्प्रिंग में पानी का तापमान 37 डिग्री से 100 डिग्री के बीच रहता है, क्योंकि इस तरह के प्राकृतिक गर्म पानी में नहाना हमारे शरीर के लिए, खासकर हमारे त्वचा के लिए विशेष फायदेमंद रहता है, इसीलिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है लॉन्गयीरबेन नॉर्वे का। स्वालबार्ड आर्कटिक सागर के ग्रीनलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज अस्त ही नहीं होता, रात हो या दिन सूरज दिखता ही है। 4थे नंबर पर नाम आता है मोराकी बाउल्डर्स न्यूजीलैंड का। साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट में स्थित कोई कोहे बीच पर 12-12 फीट के पत्थरों का ढेर किसी अजूबे से कम नहीं है। ये पत्थर दिखने में किसी सीप या मोती की तरह है। इन पत्थरनुमा संरचना का निर्माण लाखों सालों से किसी जीवांश या ठोस चीज के चारों ओर समुद्र रेत के जमने से हुआ है। ऐसी संरचनाएं विश्व में कई जगह पर पाई जाती है, पर यहाँ पर ये संरचनाएं सबसे बड़े आकार में पाई जाती है। 3rd नंबर पर नाम आता है सर्ट से आइसलैंड का। आइसलैंडिक आइलैंड भी किसी रहस्य से कम नहीं है। 1963 से पहले इस आइलैंड का अस्तित्व ही नहीं था। 1963 में यहाँ पर पानी के अंदर से अचानक एक ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी में लगातार 1967 तक विस्फोट होते रहे और साथ ही ज्वालामुखी का आकार और ऊंचाई बढ़ती रही। 1967 में जब वॉल्केनो बिल्कुल शांत हुआ तो यहाँ पर एक आइलैंड ही बाकी रह गया। 2रे नंबर पर नाम आता है मैग्नेटिक हिल मॉन्कटन न्यू ब्रंसविक का। यह मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है। इस हिल का पता 1930 में चला था। इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने का काम अभी भी जारी है। ये जगह आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे भारत के लद्दाख क्षेत्र में भी एक मैग्नेटिक हिल है। 1ले नंबर पर नाम आता है ब्लड फॉल्स एंटार्क्टिका का। एंटार्क्टिका के टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसी है जहां लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल पाया। उनका यह अनुमान है कि बर्फ के नीचे लोहे के तत्व की अधिकता हो, जो कि पानी को लाल रंग देते हैं। हालांकि यह लाल झरना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ऐसे ही कुछ नए वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।